हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बंधन बैंक पे, क्योंकि बंधन बैंक पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि एक व्यूअर की तरफ से, जिनका आईडी आ रहा है कुल अंकित करके, तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि बंधन बैंक पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एक अपना व्यू बताइए, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट टर्म के लिए ये बंधन बैंक कहाँ तक जा सकता है, तो उस पर मैं अपनी राय बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म तो मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी राय बताने वाला हूँ और बंधन बैंक पे ये फ्रेश दूसरा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। ये जो बंधन बैंक के बारे में मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ये जस्ट ये व्यूअर की डिमांड पे बना रहा हूँ, तो उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नज़रिया बताना है, व्यू बताना है मेरा, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो सोच रहे उनके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, बंधन बैंक तो सबको नाम पता है और ये मार्केट में जस्ट कुछ साल पहले ही आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, जो नए लोग रहेंगे उनके लिए बता देता हूँ। तो ये 2014 से मार्केट में यानी बिजनेस में है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में तो काफ़ी लेट आई है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कब से आई है। और ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो बंधन बैंक ये प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक है, तो यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आपको वो भी दिख जाएगा। और इसका मार्केट कैपिटल देखो, लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 247 का भाव पे मिल रहा है ये स्टॉक। डिविडेंड दे देती है लगभग 0.5% के हिसाब से, और यहाँ पर ये 182 का लो है और 298 का हाई, तो 298 का इसका एक टारगेट रहेगा, ये 300 का आसपास का एक टारगेट बनेगा इसका शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये 298 ये अचीव करेगा। ठीक है, तो उसके बाद और ये कब का है, इसने ये कब हाई मारा, तो ये भी हम देख लेते हैं। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो 19 का पी आ रहा है, 19-20 का पी आ रहा है, और बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो ठीक है, और आरओसी थोड़ा कम है, आरओई ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे जाके स्प्लिट भी हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी आगे स्प्लिट भी हो जाएगा। और अगर हम इसके एक साल के चार्ट देखेंगे तो देखो, ये एक साल में ये जो स्टॉक है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो एक साल के अंदर जो चार्ट है इसके काफ़ी अप्स डाउन, यहाँ पर डाउन आया था। तो शॉर्ट टर्म वालों को ये हमेशा देखो, ख़रीदना है तो नीचे के भाव पे ही ख़रीदना है, जब जब ये नीचे लगे, जैसे ये नीचे लग रहा है, यहाँ पर गिरावट है, यानी यहाँ से गिरा है वो दिख रहा है, यहाँ से गिरा वो दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म वाले कभी भी, शॉर्ट टर्म यानी एक साल के अंदर जिनको बेचना है, लॉन्ग टर्म एक साल दो साल जो रखना चाहते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म है, तो जब जब ऐसी एक गिरावट आती है तब तब ख़रीदना, उसको ही शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना, या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, मैंने जो भाव पे ख़रीदा है अभी नीचे के भाव पे ख़रीदा है, और ये मेरे प्रॉफिट में ही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, और अभी भी ये गिरावट में, ये जो बड़ा हाई है, जो ये यहाँ पर ये 268 के हाई जो नज़र आ रहा है, या यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो 290 के आसपास का नज़र आ रहा है हमको, ठीक है, तो ये हाई से तो अभी भी देखो, ये स्टॉक यानी ये हाई से भी अभी भी हमको डाउन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी ये पहला टारगेट ये अचीव करेगा, जो इसका ये 268 के आसपास का टारगेट है वो पहले अचीव करने को देखेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, फिर उसके बाद फिर ये बड़ा टारगेट के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो ये छोटे से टारगेट के लिए रह सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए तो टारगेट कभी कोई स्पेसिफाई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म का 1,000, 2,000, 3,000 जो भी अभी जो रेंज चल रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक जो 200-300 के हुआ करते थे, या 700-500-600 के हुआ, आज 2-3 हज़ार के बैंक के स्टॉक हो गए। ठीक है, तो ये जस्ट ये ग्रोथ के वजह से है, तो बैंकिंग सेक्टर अभी अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो देखो, 3 साल में ये गिरावट में मिल रहा है, ये गिरा हुआ स्टॉक है और अच्छा स्टॉक लगा, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग करने के लिए ले लिया, क्योंकि इसका देखो फ्यूचर में और एक है, ये जो 450-450 का टारगेट है वो भी लॉन्ग टर्म में जल्दी अचीव कर सकता है, अगर ये 300 का रेंज पकड़ता है तो। ठीक है, 300 के बाद 400 का टारगेट रहेगा, 400 के बाद ये फिर 500-600 का ये जो टारगेट नज़र आ रहा है 2019 का। ठीक है, तो 600 के पार जाना पड़ेगा उसको, 400 के बाद यहाँ पर 500 के ऊपर 600 का ही टारगेट है।
तो ये टारगेट देखो, ये 5 साल में गिरा हुआ है, तो 5 साल लेगा या 2 साल लेगा, तो उसके बाद ये स्टॉक आराम से ये टारगेट अचीव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे 10 साल, तो 10 साल कंपनी को हुए नहीं है मार्केट में आके। देखो 2018 से आई है, जैसे इसका आईपीओ आया होगा, तो आईपीओ के जब वो टाइम पे खुला, तो उसके बाद जो ग्रोथ देखने मिली, ठीक है, 400 450 का के बाद डायरेक्ट 700, तो ये 700 ये इसका बिग टारगेट है फिलहाल। तो फिर 700 की रेंज जैसे टूटेगी, फिर 1000 के रेंज में ये बंधन बैंक मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब फिर बाद में चाहिए तो कंपनी सोचेगी स्प्लिट करना, जैसे इसका फेस वैल्यू 10 का है, तो 1 पे लाएगी या 5 पे लाएगी, आधा हो जाएगा स्टॉक का भाव और आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखो फिलहाल तो अभी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यह फिलहाल तो अभी नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए अभी बाइंग के ज़्यादा मौके बन रहे हैं। और इंडस्ट्रीज में देखो, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और HDFC नंबर 1 पे आती है, ठीक है। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है अकेले HDFC बैंक का। फिर ICICI बैंक है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, और यहाँ पर बंधन बैंक सबसे लास्ट में, उसके ऊपर IDFC बैंक है, ठीक है, IDFC फर्स्ट। तो यहाँ पर ये बंधन बैंक देखो मार्केट कैपिटल की वजह से अभी भी डाउन पे मिल रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो कंपनी के कैसे है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जो इसके 2020 के जो सेल्स है, 3000 करोड़ से लेके 4500 करोड़ तक ये कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट का यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो नेट प्रॉफिट देखो 550 से लेके 721 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। बीच में कम भी हुआ था, यहाँ पर देखो 291 भी नज़र आ रहा है, 200 भी नज़र आ रहा है, तो अप डाउन ये कंपनी के प्रॉफिट्स में हमको देखने मिला है, ठीक है। तो इस वजह से भी स्टॉक थोड़ा दबा हुआ है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो देखो ये जो स्टॉक है, इसका रिवेन्यू 2016 से यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे 2016 में इसका 1500 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था, अभी यहाँ पर देखो 15000 करोड़, यानी 10 गुना ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, ये सबसे अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट देखो 275 से लेके अभी 2000 करोड़, 2100 करोड़ या 2200 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है 2023 का। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, और ठीक है। तो यहाँ पर ये अदर इनकम का भी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट में आपको नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये अदर जो अदर इनकम है, उसके वजह से भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। और ये अदर इनकम में भी क्या स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पर देखो अदर इनकम नॉर्मल करके यहाँ पर बताया हुआ है, जहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, अदर इनकम नॉर्मल में ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो फिलहाल ये अदर इनकम कोई भी एक्स्ट्रा इनकम या जो भी, जहाँ से अदर इनका कोई बिजनेस है, इस हिसाब से जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहाँ से आया हो, ठीक है, तो ये इनकम कंपनी कर रही है। बाकी यहाँ पर इन्वेस्टर को इसने कोई ज़्यादा फायदा दिया नहीं है, जिसने भी इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म से है। अभी जो कर रहे शायद अच्छे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखो, अगर कंपनी अच्छी हो तो प्रॉफिट्स अच्छे हो सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो बैलेंस शीट देखो कंपनी की बोरोविंग अगर देखा जाए, तो 15000 करोड़ 2016 में थी, अभी 1,32,000 करोड़ की बोरोविंग है कंपनी पे, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पर देखोगे तो देखो लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, तो लोन तो ज़्यादा है और रिजर्व में काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन देखो ऑलरेडी बैंक जो होती है ऑलरेडी वो लोन ही लेती है, फिर लोन सस्ते भाव में लेके फिर वो कस्टमर्स को देती है ज़रा महंगे रेट पे, तो इसी में कंपनी की या बैंकों की कमाई होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये कंपनी के अंदर या ये शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो अभी भी प्रमोटर के पास ही है, 40% के आसपास के शेयर्स प्रमोटर के पास है, फिर बाद में 33.5 करोड़ 33%, ठीक है। तो यानी 33.53% के जो भी यहाँ पर होल्डिंग्स है, सबसे ज़्यादा FIS के पास भी है 12%, 12.5%, DIS के पास भी है, गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है और पब्लिक का भी है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और DIS FIS इसमें भर भर के उन्होंने क्वांटिटीज उठाई है, ठीक
ठीक है, तो काफी अच्छा है ये स्टॉक। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनकी भी सोच होती है, इस वजह से बड़े इन्वेस्टर इसमें घुस जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म का भी नज़रिया इसका हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, लॉन्ग टर्म का भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है ये शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो अपने हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये शॉर्ट टर्म भी सही लग रहा है, लॉन्ग टर्म भी सही लग रहा है, और शॉर्ट टर्म के टारगेट तो कम ही पकड़ना चाहिए, कम ही होते हैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मेरा जो व्यू है, मेरा जो इसके ऊपर ये बैंक के बारे में सोचना है, वो मैंने अपने आप से रिव्यू बता दिया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।